चैप्टर नंबर 4 द एलिफेंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब एलिफेंट के बारे में जैसे ही बात आती है तो एलिफेंट का एक इमेज आपके सामने, अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको आपको इमेजिनेशन के साथ पढ़ना है, जिससे आप इसे आसानी से सीख सकें। देखिए, द एलिफेंट श्योरली इज ग्रैंड, मतलब वास्तव में जो एलिफेंट है वो कैसा है, भव्य है ना, बड़ा है। इट्स द लार्जेस्ट क्रिएचर्स ऑन लैंड, और ईश्वर ने उसे इस धरती पर बहुत बड़े आकार का बनाया है। विथ जम्बो साइज ईयर्स, उसके कान जो है वो बड़े आकार के हैं, जम्बो साइज के हैं। नो वंडर इन हियर इट्स हियर, मतलब इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो सुनता है। फॉर माइल्स फॉर फ्रॉम वेयर इट मे स्टैंड, और वह वास्तव में एक बड़ा प्राणी होने के साथ साथ है ना। नेक्स्ट पिक्चर में हम आते हैं, द एलिफेंट श्योर इज ग्रेट, मतलब वास्तव में जो एलिफेंट है वो कैसा है, भव्य है, बड़ा है। ओवर 5 tons इट्स वेट, मतलब 5 टन से भी ज़्यादा उसका वजन है। विथ जम्बो साइज फीट, और उसके पैर भी जो है वो काफ़ी बड़े हैं। पर्स अमाउंट दैट कैन ईट, और वो खाना किससे खाता है, यानी उसका जो मुंह है वो कैसा है, एक सूंड की तरह से है। मोर देन 700 pounds ऑन इट्स प्लेट, और उसकी प्लेट में 700 pounds से भी ज़्यादा वजन वो रखता है। द एलिफेंट श्योरली इज स्ट्रॉन्ग, मतलब वास्तव में जो एलिफेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता है। विथ इवोरी टस्क शार्प्स एंड लॉन्ग, और उसकी जो टिथ है वह कैसे होते हैं, लंबे नुकीले और शार्प होते हैं। एंड द हैवीएस्ट चंक, और उसकी जो सूंड है वो कैसी होती है, बहुत बड़ी होती है। इट कैन लिफ्ट विथ इट्स ट्रंक, वो कुछ भी जो उठाने का काम करता है वो किससे करता है, अपनी ट्रंक से करता है। यस एंड एलिफेंट जस्ट कांट गो रॉन्ग, और हाथी कभी भी रॉन्ग नहीं होता। ओके चिल्ड्रंस, इस तरह से इसके अंदर जो पिक्चर्स दी हुई है, इस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको इसको रीड करना है और इसका इमेजिनेशन करना है।